हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हाउ आई मीट सलमान। ये मेरी लाइफ की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं जब भी इसे याद करती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं बहुत छोटी थी, साल था 2009 और मैं भी 9 साल की ही थी। तो तब मेरे मोहल्ले में या फिर इलाके में या फिर मेरी बारी में जहाँ में हम रहते हैं, तो सलमान की जब न्यू फिल्म रिलीज़ होता था तो उनकी न्यू फिल्म के जो सॉन्ग हैं जो उनके फ़ैन हैं तो वो सुनते थे और कहते थे कि ये सलमान की न्यू फिल्म का गाना है, जिस सलमान के वो फिल्म के वो गाने हैं, तो ऐसे ऐसे बोलते थे। तो तब मैंने नाम सुनी, नाम भी कैसे सुनी मैं वो भी आपको बता रही हूँ। छोटी थी तो इधर उधर घूमती फिरती थी, तो वैसे ही सलमान के जो फैंस हैं जो गाने सुनते थे तो बोलते थे कि ये सलमान का न्यू फिल्म का गाना है। तब भी मैंने उनका नाम सुना है कि हाँ, इस नाम के कोई हीरो है जो फिल्म करते हैं और सबके दिलों पे छाया हुआ है। जो उनकी फैंस है उनके दिलों में तो वो छाया हुए है ही। तो फिर क्या हुआ, मुझे उनका नाम पता चला तो मुझे लगा कि आई हाय, नाम में ही पर्सनैलिटी है तो फिर देखने में कैसा होगा। वो दबंग फिल्म है ना, दबंग फिल्म में सलमान के एक डायलॉग है कि मेरा नाम मेरी पर्सनैलिटी को शोभा देता है, तो वैसे ही कुछ हो गया। तो फिर मुझे देखने का मन हुआ। तो तब हमारे डीवीडी थे, तो मेरे अब्बू जो है वो डीवीडी लाते थे, न्यू डीवीडी। तो शायद सलमान की भी कोई फिल्म के डीवीडी लाए होंगे, तो वो हमारे फैमिली मेंबर में से ही सब देख रहे थे उनकी फिल्में। तो शायद उनकी एंट्री हुई तब या फिर बीच में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो बीच में उन्हें दिखाया तो मेरी फैमिली मेंबर में से किसी ने बोला कि वो रहा सलमान। तो तब जी एक्सप्रेशंस का ज़माना चल रहा था, तो मेरे एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के थे, कौन कौन कौन, तो इस तरह के थे। तो मैंने उन्हें देखा, देखते ही इतना रिलैक्स फील हुआ कि क्या बताऊँ। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तब से लेकर आज तक मैं सलमान को पसंद करती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी। हाँ, तो तब की बात अगर मैं आज सोचूँ तो मेरी उस वक्त हालत कुछ इस तरह के थे। 2016 साल में वो महेंद्र सिंह धोनी जी का एक फिल्म आया था, उस फिल्म में एक गाना था कौन तुझे, तो उस गाने में एक लाइन था कौन तुझे, इस गाने में एक लाइन था, वो लाइन ये है कि मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके। तो ये था मेरी हालत कुछ। तो तब की बात अगर मैं आज सोचूं तो आज मैं इस लाइन में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, तो वो ये है कि मेरी हंसी तुझसे, मेरी खुशी तुझसे, तुझे खबर क्या बेखबर, जिस दिन तुझको ना देखूं पागल पागल फिरती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो तब से लेकर आज तक इस बेस के ऊपर मुझे बहुत सारे गाने याद आते हैं, जैसे कि मेरी सैया सुपरस्टार, और फिर वो गाना है नैनों की जो बात नैना जाने हैं, सपनों की आस तो नैना जाने हैं, नैनों की जो बात नैना जाने हैं, सपनों की आस तो नैना जाने हैं, दिल की ये बात तो धड़कन जाने हैं, उस पे गुसरे वो तन जाने हैं, हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं, तू मेरा है सनम तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना घुसा तो जन्म। तो और भी बहुत सारे गाने हैं। तो वो 9 साल से लेकर अभी 19 साल तक बेस के ऊपर मैंने एक शायरी भी लिखी। मैं बहुत सारी शायरी लिखती हूँ सलमान के लिए, हमारे बंगाली लैंग्वेज में जो मेरे ओन लैंग्वेज है, तो बहुत सारी लिख के मैं डायरी में नोट करके रखती थी। तो मैंने सोचा कि बंगाली तो मेरी ओन लैंग्वेज है, इसमें से
मेरा मतलब है कि इस लैंग्वेज में तो मैं बहुत सारी लिख सकती हूँ। तो मैंने जो बंगाली में सलमान की शायरी जो हमारे बंगाली में कहते हैं छंदो, तो वो सब मैंने बहुत सारे जगह से कलेक्ट करके फिर लिखती थी। तो मैंने सोचा कि हाँ यार, हिंदी में शायरी लिखूँगी सलमान के लिए वो भी। तो फिर मैं इधर उधर कहीं से भी कलेक्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैं अपनी ओन लैंग्वेज में लिखना चाहती थी। तो उसी की बेस पे मैंने लिख भी लिया। तो मैं क्लास 9 में थी। 9 क्लास ख़त्म होने में सिर्फ एक दो महीना था। तो एक दिन मैंने पढ़ाई करने बैठी थी, तो मुझे ना पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सलमान के लिए शायरी लिखा जाए। तो मैंने तब लिखा था, तो मैं सभी को सुनाती हूँ। होप यू ऑल लाइक दिस। डायरी से लेके ज़िंदगी के हर पन्नों पे सलमान लिखा है तुम्हारा नाम। नींद चैन से लेके चुरा तक लिया है तुमने मेरी जान। 9 साल से लेके अभी 19 साल तक हूँ तुम्हारी दीवानी। डर लगता है कहीं तुम्हारे अलावा मैं हूँ ना जाऊँ किसी और के लिए बेचैनी। मेरी इसीलिए मेरी हर दुआओं में रहेगी मन्नतें कि शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी ज़िंदगी में बढ़ती रहे तुम्हारी चाहते। कैसा लगा? तो मैंने और भी बहुत सारी शायरी लिखी है। मैंने ये कहीं से भी कलेक्ट नहीं किया, ये मेरे ओन वर्ड्स है। हाँ, तो मैंने बहुत सारी शायरी वैसे जब लिखने स्टार्ट किया तो लिखा, बहुत सारी लिखी है। तो अभी एक ही सुना रही हूँ, और भी सुनाऊँगी जब डिफरेंट ओकेशन आएगा तब। अच्छा, तो फिर ऐसे ही मैं सलमान से मिली, उन्हें देखा, तो देखते देखते चल रहा है देखने का सिलसिला। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सलमान के लिए एक मैसेज है कि सलमान, आप जो भी कर रहे हो, बीइंग ह्यूमन, बहुत सारे आपके वीडियो देखे हैं मैंने, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप। तो आप ऐसे ही करते रहो, और मेरी दुआ, आपकी फैंस की दुआ हमेशा आपके साथ है। एंड आई लव यू सो मच। और क्या बोलूँ सलमान के लिए, कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा है। बोलने का तो बहुत मन है, पर ऐसे। अच्छा ठीक है, तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं सलमान से मिली, और ऐसे ही शुरू हुआ सलमान को पसंद करने का ये जर्नी। तो आगे भी मैं इंशाल्लाह ऐसे ही पसंद करती रहूँगी। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। बाय बाय। और भी न्यू वीडियो लेके मैं ज़रूर आऊँगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है? तब तक इंतज़ार कीजिए। बाय।